जल प्रदूषण। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी जल जीवन का आधार है। कोई भी जीव बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। 20वीं शताब्दी में मानव सभ्यता और विज्ञान प्रौद्योगिकी का बड़ी तेजी से विकास हुआ। बेशक मानव जीवन इनसे उन्नत और सुखकर हुआ है, वहीं काफी हानि भी हुई है। आज वायु, जल, आकाश तीनों का अंधाधुंध और अनियंत्रित दोहन हुआ है। इस कारण मानव अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वह स्वर्गलोक की यात्रा कराने वाली नदी मानी जाती है। गंगा अनेक पापों को धोने वाली नदी मानी जाती है। वही जीवनदायी गंगा आजकल कारखानों के जहरीले कूड़े कचरे से प्रदूषित हो गई है। भारत सरकार ने गंगा की सफाई के लिए व्यापक कार्यक्रम भी चला रखा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन भी हुआ, किंतु अभी उसकी निर्मलता लौटी नहीं है। यही हाल अन्य नदियों का भी है। हमारे अवैज्ञानिक रहन सहन के फलस्वरूप जलाशयों में बहुत प्रदूषण है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि उनमें स्नान करने तथा इनका जल प्रयोग में लाने से चर्म रोग एवं लकवा जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार होना पड़ जाता है। जल मुख्य रूप से दूषित होने के कारण इस प्रकार है। बावड़ियों का चलन लगभग समाप्त ही हो चुका है। देश के हर गांव में कूप जल का प्रयोग अनादिकाल से होता रहा है, परंतु कई इलाकों में कुओं में घातक प्रदूषित तत्व पाए जाते हैं। जल के स्थिर रहने से, जल में नगर की गंदी नालियों और नालों का जल मिलने से, जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों के मिलने से, जल में रोगों के कीटाणुओं के मिलने से, ताल तलयों के जल में साबुन, शैम्पू आदि से नहाने तथा कपड़े धोने से, जल स्रोतों में कारखानों व फैक्ट्रियों आदि से रसायनों का स्राव होने से, नदी, कुओं तथा अन्य जल स्रोतों के पास ही स्नान करने, कपड़े धोने, जूठे बर्तनों को साफ करने से, तालाबों में स्नान करने तथा उनमें मलमूत्र बहाने से, कारखानों से निकला कूड़ा कचरा तथा रासायनिक अवशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में गिराने से, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। यह वह जल है जो हमें प्रकृति से मिलता है। इसे चार भागों में बांटा गया है। पहले वर्ग के अंतर्गत वर्षा का जल आता है। दूसरे वर्ग में नदी का जल आता है। तीसरे वर्ग के अंतर्गत कुएं अथवा सोते, ताल तलैया का जल आता है। चौथे वर्ग के अंतर्गत समुद्र का जल शामिल है। निम्नलिखित उपायों के द्वारा जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। समय समय पर कुओं में लाल दवा का छिड़काव होना चाहिए। कुओं को जाल आदि के द्वारा ढक देना चाहिए, इससे कूड़ा करकट और गंदगी कुएं में नहीं जा सकती। आपको जब पता चल जाए कि जल प्रदूषित है, तो सबसे पहले उसे उबाल लें, फिर उसका सेवन करें। गंदे जल को स्वच्छ रखने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करें। जल की मात्रा के अनुसार ही फिटकरी का प्रयोग करें। इससे जल में जितनी तरह की गंदगी होगी, सबकी सब घड़े के तल में नीचे बैठ जाएगी। जल संग्रह की जाने वाली टंकियों तथा हौज को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसका तत्परता से पालन न करने वाले उद्योगों पर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। कूड़े कचरे एवं मलमूत्र को नदी में न बहाकर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उनसे ऊर्जा पैदा की जाए और उससे खाद बनाई जाए।
अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों को लाइसेंस न दिए जाए। नदियों, तालाबों, ताल तलैयों एवं कुओं में मेंढकों, कछुओं आदि को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी प्रकार से जल को दूषित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।